हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो एटीकेटी स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छी खबर ही लेके आया है, गुड न्यूज़ लेके आया है ये मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज आपको इधर दिख रहा होगा कि जो हमारे प्राजक्ता सर है उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। दोस्तों ट्वीट में क्या किया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खासकर उन्होंने पहले तो आपको इधर दिखा देता हूँ, एटीकेटी स्टूडेंट को लेके बात हुई है और जो हमारा इस समय जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम का सिचुएशन है इस समय कि हम स्टडी किस बेस पे करें, ऑनलाइन स्टडी करें या फिजिकली स्टडी हो सकता है, तो ये उस बेस पे ये पूरा मीटिंग लिया हुआ था। नीचे तो दोस्तों आप लोगों को इसका पूरा पिक भी दिख रहा होगा कि उन्होंने मीटिंग में ये पूरा बात किया हुआ है और उसके बाद डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों इसमें पहले मैं एटीकेटी स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारे सर है उन्होंने ये कहा हुआ है कि उन्होंने जो मीटिंग रखा हुआ था उस मीटिंग में उदय सावंत सर भी थे और ये हर एक चीज़ के मतलब राय वाय करने के बाद इनका कहना है कि ये जितने भी विद्यापीठ है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, उनके कुलगुरुओं के साथ बैठ के शायद कल के दिन इनका मीटिंग होगा और जो भी होगा वो डिसीजन कल ही आ जाएगा। मतलब मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ तो सर कल बैठने वाले, उदय सावंत सर बैठने वाले, वाइस चांसलर, कुलगुरु जो होंगे विद्यापीठ के, उनके साथ सब डिस्कशन किया जाएगा और आप लोगों के लिए आंसर लिया जाएगा। और शायद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी डिसीजन निकले वो एटीकेटी स्टूडेंट के हित में ही निकले, यही मैं चाहता हूँ। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे वहाँ फिजिकल स्टडी होना बहुत मुश्किल है, तो शायद ये ऑनलाइन स्टडी को ही प्रेफर करेंगे आगे तक, जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।